अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत टाइम बाद आई फाइनली ऑनलाइन और कुछ वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली सोच में बहुत दिन से रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा लो फील था, थोड़ी बिजी थी, थोड़ी ईशल के स्कूल में असेसमेंट्स होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन करवा रही थी। उसके अलावा जो मेरा ऑनलाइन काम चलता है उसकी बहुत सारी वो काम पेंडिंग था, जो कि वो भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करती थी कुछ कुछ करके थोड़ा बहुत उसको उसके टाइमलाइन के हिसाब से एडजस्ट कर सकूं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इतने दिनों में मैंने करी, क्या क्या किया, किस तरह क्या चीज़ें चली, वो सब मैं कुछ लोग ज़रूर बताऊँगी। और इसके अलावा आप लोगों को मेरा हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करे, बहुत सारे लोगों ने मुझे डायरेक्ट मैसेज करे व्हाट्सअप किए, तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई हेयर कट। और इसके साथ अच्छा है ना, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो आराम से बैठ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, इसके बाद अभी रात के बज चुके हैं आई थिंक 11:30, और नाउ आई हैव सम टाइम टू मेक अ व्लॉग। और कितने कई दिनों से सोच रही थी, क्योंकि मुझे कई दिनों से, इनफैक्ट बहुत महीनों से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप यूट्यूब करती हैं इससे आपको क्या अर्निंग होती है, आप इंस्टाग्राम करती हैं इससे आपको क्या अर्निंग होती है, आपको क्या फ़ायदा होता है। या कई लोग मुझसे पूछते हैं कि और आप कौन से काम जो आप कहती हैं ऑनलाइन चलते हैं, तो वो कौन से काम होते हैं आपके, इसके अलावा आप किस तरह मैनेज करती हैं अपना घर और बाकी सब काम उसके साथ, जैसे कि मैं ईशल को पढ़ाती भी खुद हूँ। और पहले मैंने उसको लगाए हुए थे एक, जब कोविड स्टार्ट हुआ तो फिर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई, तो फिर मुझे लगता था कि ईश्वर को एक्स्ट्रा टेंशन की ज़रूरत है, एक स्कूल के माहौल की ज़रूरत है, लेकिन स्कूल का माहौल नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने फिर इसकी ट्यूशन टीचर लगाई थी जो कि 2-4 महीने आई थिंक रही थी, और उसके बाद मैंने लेकिन हटा दिया, जैसे इसका स्कूल में दोबारा से री एडमिशन क्लासेस स्टार्ट हुई, हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया, जैसे फिर दोबारा स्कूल स्टार्ट हुआ तो मैंने इसीलिए टीचर चला दी। जब स्कूल है तो फिर टीचर की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ टफ हो गई हैं पढ़ाइयाँ, हमारे समझ में जो पढ़ाइयाँ थी वो पढ़ाइयाँ नहीं हैं, लेकिन खैर जितना अच्छा एक माँ पढ़ा सकती है उतना तो कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मेरा मानना है, वो एक अलग बात है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, बहुत घर के काम होते हैं उसके अलावा चीज़ें, लेकिन अगर बंदा सोच ले ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इट्स क्वाइट ईजी टू मैनेज एवरीथिंग। और इसके तो अगर इंसान सोच ले, लेकिन हाँ ये कहने की बात है, हो सकता है मैं आज पढ़ा पा रही हूँ, हो सकता है कल मैं भी ना पढ़ा पाऊँ, क्योंकि जर्लिश को देखना होता है, आशिर को देखना होता है, घर में घर के काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरी अब कोशिश बहुत है कि मैं ईशल को खुद बहुत अच्छा मुझसे चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस अब दुआ करिएगा आगे भी मैं इसी तरीके से ईशल को पढ़ा सकूँ। अभी समर वेकेशन होने वाली स्कूल्स में, तो व्हाट आई एम प्लानिंग टू एडमिट हर इन एनी समर कैंप, लेकिन मैंने बहुत सारे समर कैंप्स पता करे, यहाँ तक ईशल के स्कूल में भी समर कैंप लगा हुआ है, तो शायद मुझे कह रहे समर कैंप में डाल दूँ। और मेरा ये प्लान है कि मैं कोई भी समर कैंप में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो मेरा ये प्लान है कोई पर्टिकुलर चीज़ में एडमिशन करवा दूँ 2 महीने, जैसे स्विमिंग हो गई या कोई स्पोर्ट्स हो गए, तो इसमें एडमिशन करवा दूँ और ईशल फिर उसको ही सही अच्छे से करके निकल ले, एक नेक्स्ट लेवल पे उसको हम आगे लेकर जाएं, चाहे वो अगर जिमनास्टिक करना चाहती है, टाइकांडो करना चाहती है, स्केटिंग करना चाहती है, स्विमिंग करना चाहती है, कोई स्पोर्ट्स करना चाहती है, तो उसके लिए मेरा ये प्लान है। अभी मैं शरारत से बात करूँगी, डिस्कस करूँगी, वैसे शरारत मुझे इन चीज़ों पर बोलते नहीं है, वट एवर आई वॉन्ट टू टेक डिसीजन इट्स माई डिसीजन, और बाकी शरारत अगर मुझे बोल देंगे ना ये, फिर मैं डिस्कस ज़रूर करती हूँ, शरारत अगर मुझे बोलते नहीं नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, अगर वो मुझे किसी वैसे वो मुझे किसी चीज़ पर मना नहीं करते घर की कोई डिसीजन लेने, बच्चों से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, लेकिन अगर कभी किसी चीज़ पर बोलते हैं कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो फिर मैं अवेयर हो जाती हूँ यकीनन ये चीज़ ठीक नहीं है। तो अभी मुझे शरारत ये बोल रहे हैं कि मतलब क्योंकि समर कैंप्स थोड़े करीब हैं मेरे रेसिडेंस से, और बाकी जो मैं जो दूसरी चीज़ प्लान कर रही हूँ वो थोड़ी सी दूर है, तो पिक एंड ड्रॉप का सिर्फ थोड़ा बहुत मुझे जाके लेना और छोड़ना पड़ेगा उसको, फिर 2 बच्चे अगर मैं जाती हूँ फिर ड्राइव करके, तो ये सब खैर देखते हैं क्या मैनेज हो पाता है, आपको पता चली जाएगा समर वेकेशन में कहाँ गई है चल और क्या प्लान किया हमने उसके लिए।
बाकी उसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि ऑनलाइन अर्निंग का क्या भी है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग की सारी चीज़ें मैं वहाँ से डिस्कस करूँगी, और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई क्यूरीज हो आप मुझसे कॉमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, और जिनके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है वो डायरेक्टली मुझे कॉल और मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आई लव टू हेल्प यू, क्योंकि अगर कोई चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है रियली वॉन्ट के, और अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। ब्लॉगिंग का कैसे शौक हुआ, यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया, ये सारी एक अलग कहानी है जो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। यूट्यूब अभी जो जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा यूट्यूब मिशा ब्लॉग्स अभी ये मोनेटाइज नहीं है। मेरा जो दूसरा चैनल है शहजाद और मेरा फनी बाकी रेडियो, वो मोनेटाइज है, उसमें हमें एडसेंस अप्रूव्ड है, वो उस पर हमें अर्निंग होती है, उसके अभी डॉलर्स बन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी एज़ फार एज़ इंस्टाग्राम इज़ कंसर्न, इंस्टाग्राम वाले कोई पैसे नहीं देते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हो जाएं, आप ब्लॉगिंग करें, अच्छा कंटेंट डालें, तो फिर आपको ब्रांड्स विल अप्रोच यू, ठीक है। आफ्टर 10K फॉलोवर्स ब्रांड्स विल अप्रोच यू, और अगर वो 10K ऑर्गेनिक फॉलोवर्स हैं तो ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, वो अपनी चीज़ें आपसे पब्लिसिटी कराने चाहते हैं, तो ब्रांड फिर आपको पे करते हैं, और ब्रांड फिर आप PR भी भेजते हैं, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स भी भेजते हैं, आपके प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगे और आपको PR भी मिल जाएगा। कुछ होटल्स होते हैं जहाँ हम लोग जाते हैं, जब ज़्यादातर कोलैबोरेशंस पे वो हमारे होटल्स कोलैबोरेशन पे होते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब आप बोलेंगे कि 10K फॉलोवर्स होंगे कैसे, तो आप अच्छा कंटेंट डालेंगे, हैशटैग्स अच्छे डालेंगे उस वीडियो के या उस पिक्चर्स के या उस कंटेंट के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में हैशटैग्स, उससे रेलिवेंट हैशटैग्स डालेंगे, वायरल हैशटैग्स डालेंगे, तो उससे हो सकता है। फिर आप पूछेंगे कि वायरल हैशटैग्स किस तरह होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम पे देखो कि वायरल हैशटैग्स किस तरह चल रहे हैं, लोग जो पोस्ट लगा रहे हैं वो कौन सी हैशटैग्स पे लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप गूगल सर्च कर सकते हो अपना कंटेंट, फॉर एग्जांपल इफ़ आई मेक एनी वीडियो रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट और सम डांस वीडियो, सम सिंगिंग वीडियो, सम एनीथिंग एल्स, तो उसके रिलेटेड आप हैशटैग गूगल पर सर्च कर सकते हो। और हैशटैग का एक वेबसाइट भी है आई थिंक, वो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हमें शेयर आती थी बड़ा, मैं भी पूछ के बताती हूँ आप लोगों को। तो अच्छा, तो वो आपसे रेलिवेंट हैशटैग्स डाल सकते हो। बाकी एज़ फार एज़ यूट्यूब इज़ कंसर्न, यूट्यूब में 4000 वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर इज़ नेसेसरी टू मोनेटाइज अ यूट्यूब चैनल, और वो भी इस तरह होता है कि आप हैशटैग्स अच्छे डालें, उससे टैग्स अच्छे करें, उस पर SEO अच्छे करें, SEO मीन्स टैग्स अच्छे करना, तो थंबनेल ऐसा बनाएं कि वो आई कैचिंग लगे, लोग यकीनन उसको देखकर उस थंबनेल को, उस वीडियो को खोलने पर मजबूर हो जाएं। तो इसको कहते हैं कुछ क्लिक कुछ कहते हैं इसकी ना टैक्टिक्स को, कुछ बोलते हैं आइडियली फॉरगेट, ऐसे दिमाग हो गया। तो ये कुछ यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो ये इस तरह कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या दुनिया का कोई और काम हो, तो आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, जो कि मैं नहीं रह पाती। तो अगर मैं कंसिस्टेंट रहती तो शायद मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो जाता। और यकीन जानिए मैं इसलिए नहीं कर रही यूट्यूब कि मुझे मोनेटाइजेशन चाहिए, मैं इसलिए नहीं कर रही कि मुझे कोई अर्निंग चाहिए, ये मेरा शौक है जिसकी वजह से मैं कर रही हूँ। मोनेटाइज हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं अपने शौक से व्लॉग्स बनाती हूँ। और अभी मैं बाहर जाती हूँ तो लास्ट 3-4 दफ़ा से तो ऐसा बहुत दफ़ा हो रहा है, पहले हम जाते थे तो रैंडमली कोई देख लेता, पहचान लेता था, लेकिन अब तो मतलब कहीं रेस्टोरेंट चले जाओ, कोई होटल्स चले जाएँ, कहीं ऐसी शॉपिंग कार्ट्स पे चलते हैं, मॉल्स चल जाएँ, तो लोग रुक के पूछते हैं कि आप शेयर लेना। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ भी होती हूँ तो कहते हैं आई रियली वॉन्ट टू टेक अ पिक्चर विथ यू, और ऐसा मत सोचिए, ऐसा हो सकता है मेरी बातों से लगता हो कि आई रियली लव टू यू नो कि मुझे कोई पहचाना हो, उससे कोई बात करो, उससे मिले। मैं यूट्यूब करती हूँ, इंस्टाग्राम करती हूँ, अपनी खुशी से करती हूँ, मुझे पसंद है करना, ये मेरा शौक है। और शौक कब तक, कितने दिन तक चलता है ये मुझे नहीं पता, जिस दिन मेरा दिल चाहेगा हो सकता है मैं छोड़ भी दूँ, मैं ना देखूँ मेरे कितने फॉलोअर्स हैं और कितना क्या कुछ है। मेरा जब दिल नहीं चाहता मैं नहीं करती, मैं अच्छे मूड में होती मैं ज़रूर करती हूँ, मैं बिज़ी होती हूँ मैं नहीं करती। अगर ये मेरी ज़रूरत होती है तो मैं कुछ भी बाय हुक एंड बाय क्रॉक मैं वीडियोज़ ज़रूर डालती। तो अभी लोग मुझे पहचानते हैं, लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं, लेकिन वो मैं उनको मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम डूइंग दिस ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म ना, तो फिर वो अगर मैं मना कर दूँगी तो वो कहेंगे आप करी क्यों रही हैं फिर, तो कोई बात नहीं,
अच्छा लगता है कि लोग आपसे मिलकर खुश हो रहे हैं, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सोचती, क्योंकि अगर ज़्यादा सोचूंगी तो अपनी तरक्की पे दबाव आने का डर एक बैठ जाता है, जो मैं नहीं चाहती कि मुझे वो डर बैठे। दबाव तो हर चीज़ को आना है, लेकिन एज़ फार एज़ ये, क्योंकि ये मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसके बारे में इतना नहीं सोचती हूँ। और शहजाद ने भी मुझे इसलिए ये करने दिया क्योंकि शहजाद कहते हैं औरत हो या मर्द हो कि अगर जब फ्री बैठेगा तो ओवर थिंकिंग करेगा, इसकी बुराई करेगा, दिल में सोचेगा और छोटी छोटी बातों को बड़ा करेगा। तो इससे अच्छा है कि वो करूँ जो तुम्हें पसंद है, वो करूँ जिससे तुम्हारा दिल हल्का होता है, तुम इन्जॉय करती हो, ताकि तुम्हें टाइम ही ना मिले कि तुम और कोई चीज़ करो। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अब नेक्स्ट एक और चीज़ आजकल चल रही है, कंटेंट राइटिंग चल रही है। तो मैं एक कंटेंट राइटर भी हूँ, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा जो मुझे जानते हैं। तो कंटेंट राइटिंग किस तरीके से करनी है, क्या करना है, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, वो मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन मैं बता रही हूँ ऑनलाइन इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन आप ईबे पे काम चल रहा है, अमेज़ॉन पे काम बहुत चल रहा है, अपना बिजनेस करो तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं घर बैठे। ये मैं आपको सब वर्क फ्रॉम होम बता रही हूँ। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्यूशंस करके पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर फाइबर और अपवर्क पे अपना प्रोजेक्ट्स अपने काम डाल के अर्निंग कर सकते हैं। फाइबर और अपवर्क पे अगर आप जानना चाहते हैं कि अर्निंग किस तरीके से करनी है, मुझे कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, और अपनी अपनी स्किल्स उसके साथ मैंशन करिएगा तो उसके अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इसके अलावा अभी राइट नाउ आई एम डूइंग सम कंटेंट राइटिंग वर्क विद द क्लाइंट। इसके अलावा मेरी खुद की एक खैर है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या है, एक सरप्राइज आप लोग के लिए, वो डेफिनेटली मुझे याद रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो खैर वो भी एक अलग वीडियो पे बनेगा। तो अभी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो मैंने आपको कुछ छोटी 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 चीज़ें दे दी, तो उसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्न मनी कर सकते हैं। इसके अलावा लोग कहते हैं आप किस तरह मैनेज करती हैं, तो शौक होता है तो आपकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और मुझे लोग DM भी पूछ रहे थे कि आपने बेटे का नाम क्या रखा, तो मैंने शायद आई थिंक वीडियो में बहुत दफ़ा नाम लिया भी है, लेकिन क्योंकि लोगों ने पूछा तो मैंने अपने बेटे का नाम रखा आशिर। और आशिर नाम वेन आई वॉज एक्सपेक्टिंग, तो फर्स्ट मंथ में वही हम लोग हमेशा सब बच्चों में नाम सोच लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि होने के बाद हम लोग सोच रहे हो नाम, तो फर्स्ट मंथ में ही हम लोग नाम सोच लेते हैं। तो ईशल के टाइम भी, ईशल जब हुई भी नहीं थी, जब मैं एक्सपेक्टेड भी नहीं थी, तो हम लोग ऐसे सोचते थे कि हम लोग की इंशाल्लाह बेटी होगी, हम लोग बेटियाँ बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है बेटा नहीं पसंद, लेकिन बेटियों से एक अलग लगाव है। शहजाद मुझे और मेरे पूरे ससुराल में भी, सबको मैके में भी, सबको इक्वालिटी देते हैं, लेकिन एक बेटियों से अलग एक चहल पहल होती घर में। तो बस, तो बेटियाँ तो किस्मत चेंज कर देती हैं आके। तो रियली इमोशनल आई टॉकिंग अबाउट माई डॉटर्स। तो हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि ईशल का नाम, पहले हमने सोचा था कि आफरीन रखेंगे, शहजाद को पसंद था, लेकिन फिर मैं एक्सपेक्टेड भी नहीं हुई थी, तो हम लोगों ने सोच लिया कि ना आफरीन ही रखेंगे, वरना लोग आगे जाके बोलेंगे आफरीन 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 गाना शुरू कर देंगे उसको देखकर। तो फिर मुझे पसंद आया ईशल, तो मैंने शहजाद से डिस्कस किया। व्हेन आई वाज फर्स्ट मंथ प्रेगनेंट, तो फिर शहजाद ने बोला जैसे तुम्हें, क्योंकि कभी भी इस चीज़ पर कोई इशू नहीं बना, मेरी सास ने अपने बच्चों के नाम खुद रखे, वो कहते हैं माँ का सबसे पहला हक होता है कि नाम रखना, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और कि उसने थे मतलब स्ट्रगल करके, तकलीफें सह के सब कुछ बॉर्न किया, तो ये उसका है। तो उन्होंने खैर इतना कोई बोल था, अगर कोई और रखना भी चाहता तो मैं रखने देती, ये सब बात नहीं है, लेकिन सबने मुझे इतनी बोला कि नहीं तुम रखो तुम रखो तुम रखो, तो मैंने ईशल का नाम खुद सोच लिया था कि ईशल है। फिर शहजाद को भी अच्छा लगा, ईशल की मीनिंग है जन्नत में एक फूल है, उसका नाम ईशल है, ईशल और ईशाल की मीनिंग सेम है। अच्छा, तो फिर हम लोगों ने ऐसा ढूंढा कि ईशल को अगर कोई ईशाल भी बोल देता है, क्योंकि होती है गलतियाँ, तो मीनिंग सेम रहे, मीनिंग डिफरेंट ना रहे, क्योंकि कहते हैं और इस्लाम में भी है कि अगर ना एक नाम होना चाहिए, एक मतलब होना चाहिए, अगर दो दो नाम हो, दो अलग मतलब उसे तारे गर्दिश में रहते हैं, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। इसके बाद एट द टाइम ऑफ ज़र्लिश को भी, जैसे मुझे पता चला कि मैं एक्सपेक्टेड हूँ, तो मैंने ज़र्लिश का नाम सोच लिया था। ज़र्लिश का मतलब होते हैं
स्टिक ऑफ गोल्ड, सोने की छड़ी, तो वो नाम सोच के था। और आशिर के टाइम भी हमने सोच लिया था कि बेटा होगा तो ये नाम, बेटी होगा तो ये नाम। अच्छा, बेटी पे भी मैंने नाम सोचा था मैं ईमान रखूँगी। मुझे परीक्षा नाम बहुत पसंद था, मुझे गर्लिश के टाइम में परीक्षा रखना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे जर्लिश उससे भी अच्छा लगा तो मैंने जर्लिश रखा नाम। और आशिर के टाइम मैंने सोचा कि फिर मैं, क्योंकि मैंने जर्लिश का नाम जर्लिश रख दिया तो मेरे दिमाग में था ईमान एक, तो फिर मैंने सोचा था अगर लड़की होगी तो ईमान रखूँगी और लड़का होगा तो फिर मैं आशिर रखूँगी। खैर यहाँ पे तो बहुत सारे पाकिस्तान में जेंडर्स बता भी देते हैं जेंडर्स, तो खैर जब आशिर हो गया तो उसका नाम आशिर रख दिया गया। एक और माइंड में नाम था हमारा आर्यन भी था, मैंने सोचा था आर्यन या आशिर, लेकिन फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची और उसी वक्त वो आ रही शाहरुख खान की बेटी का आर्यन का केस भी चल रहा था जब मैं प्रेगनेंट थी, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा अब मैं आर्यन नहीं रखूँगी, मैं आशिर रखूँगी, तो मैंने फिर आशिर नाम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आशिर ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आशिर का फेस रिवील कब करेंगी, तो आशिर का फेस मैं जल्द रिवील कर दूँगी, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, और भूल जाती हूँ और अभी बहुत छोटा भी है। ऐसा नहीं मैं ये चीज़ें नहीं मानती कि नज़र टूटा, बहुत सारे लोग बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि लास्ट ईयर सितंबर में जर्लिश की बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। आई रियली डोंट नो, मैंने आप लोगों से ब्लॉग्स में डिस्कस किया था जर्लिश की, मैंने बर्थडे वीडियो डाली थी, उसके बाद मुझे लोगों ने फ़ोन करा तुमने बर्थडे वीडियो डाली, देखा बच्ची बीमार हो गई, यूट्यूब पर वीडियो ना डालो, यूट्यूब पर ना दिखाओ, और मेरे दिल में भी एक वहम आ गया। फिर मैंने शहजाद से डिस्कस किया तो शहजाद ने मुझे बोला यार अगर ऐसा होता सेलिब्रिटीज़ के बच्चे हमेशा बीमार रहते, सेलिब्रिटीज़ आए दिन अल्लाह ना करे अस्तगफुरुल्लाह के नियर टू डेड हो जाते हैं, क्योंकि जितनी वो काम करते हैं, जितना हम लोग पसंद करते हैं, जितनी नज़र उनको लगनी होती है उससे ज़्यादा तो हमें नहीं लग सकती। तो कहने लगे कि अपने दिमाग में ना जो वहम और वसवसे हैं वो कम करो, और हमेशा हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया करो। बहुत सारे लोग होते हैं जेलस होते हैं, वो तो तुम ना भी वीडियो डालोगी घर आके भी जेलस हो जाएंगे, तुम रोड पर जाओगी तुम्हारी बच्ची को दूर से कोई देख लेगा और कहेगा यार कितनी अच्छी बच्ची, तो उस तरह भी तुम्हारी बच्ची को नज़र लग सकती है। तो ये सारी बातें ना, ये वहम मत किया करो तुम, जितने वहम का इलाज कुछ नहीं है, और बस अल्लाह को पसंद नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करो। बट वरना मैं स्ट्रिक्टली वो गई कि अब मैं वीडियोज़ नहीं करूँगी, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ नेचर वाइज, मैं चीज़ों से बोलती हूँ, लेकिन आई एम वेरी ओपन एंड लिबरल। तो फिर शहजाद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, शहजाद ने वीडियोज़ डाली यूट्यूब से, इसका क्या ताल्लुक है, इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बार नेगेटिव क्यों लेती हूँ कि क्या पता कि ओपनली अपनी यूट्यूब पे आके बात करो, लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं, लोग तुम्हें प्यार भी करते हैं, बहुत सारे लोग दुआएं भी करेंगे तुम्हारे बच्चों के लिए, तो कोई बात नहीं। और अभी तक आशिर का फेस रिवील इसलिए नहीं किया, फिर ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी फैमिली की तरफ से कुछ मना है, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर मैं उसको फेस रिवील करूँगी, इसलिए कि तब आप लोगों को देख कर हंसने लगी, थोड़ी सी हम बात करें तो रिएक्शन करने लगे, जब चाहती मैं आशिर का फेस रिवील करना, अभी थोड़ा थोड़ा करने लगा है, देख देख के हंसने लगा है। तो बहुत अच्छी फीलिंग लगती है जब आपका बच्चा आपको देखकर मुस्कुराता है और रिएक्शन देता है, अल्लाह ताला की ना मतलब होने का ना बिल्कुल सबूत है ये चीज़। और इतना छोटा सा बच्चा फिर रिएक्शन दे और समझे, 2 महीने का बच्चा समझे, फेस समझे, रिकॉग्नाइज करे, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला सबके बेबीज़ के माइल स्टोन्स जो है, जो उनकी डेवलपमेंटल एज उसके हिसाब से पूरे करें। बस इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करके रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में मिशेल और मिशेल की फैमिली को बहुत याद रखिएगा, और बहुत सारी दुआ में हम सबको याद रखिएगा, जर्लिश को बहुत दुआ में याद रखिएगा। देखिए गाइस, अल्लाह हाफिज़।